आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कि यहाँ पर जो है कहाँ पे एक अच्छा प्रूफ यानी कि परफेक्ट तरीके का डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि बड़े बड़े ब्रोकर जो हैं वो उनका भी टारगेट क्या बताया जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ का, तो वो तो हम लोग बात करेंगे। बट हम लोग अपना एनालाइज जो है जहाँ तक हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ की, तो आज हम लोगों को आधा परसेंट अप देखने को मिला, यानी कि मार्केट डाउन भी गई थी माइनस में जब ओपन हुआ मार्केट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओपन होने के बाद लगभग 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास डाउन गया, फिर मार्केट अप गया, फिर अगेन हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। थोड़ा सा करेक्शन ही बोलेंगे इसको, प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे। जो लोग इंट्राडे में किए थे तो वो लोग बाय करके सेल करके निकल गए वो लोग, ठीक है ना। जो लोग BTST करते हैं वो लोग निकल गए होंगे, बट जो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बता रहे हैं, जो लोग इनमें इन्वेस्ट करके रखे हैं उनके लिए हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कहाँ पर परफेक्ट अच्छा हम लोगों का एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर 1 वीक का हम लोग देख लेंगे तो 1 वीक भी हम लोगों को पॉजिटिव में ही देखने को मिला है, 1 मंथ हम लोगों को डाउन। अगर हम लोग मैक्सिमम देख लेंगे तो या फिर 5 ईयर की देख लेंगे तो, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम में देखेंगे तो हम लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम फुल डिटेल यहाँ पे आ नहीं रहा है फुल चार्ट ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर हम 5 ईयर में देख लेंगे तो 5 ईयर में हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई नहीं बोलेंगे, ऑल टाइम हाई में जो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं अब अगेन यहाँ पे चलने वाला है ऑल टाइम हाई पर। चलिए इसके बारे में तो बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सेक्टर देख लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर जो कि आज हम लोगों का कैसा रहा। बट अगर हम लोग इंडेक्स की बात कर लें तो आप लोग इंडेक्स देख सकते हो, निफ्टी 50 भी माइनस, सेंसेक्स भी माइनस, निफ्टी बैंक भी माइनस, निफ्टी IT भी माइनस, उसके बाद स्मॉल कैप जो है जो हम लोगों को लगभग 1% के आसपास अब देखने को मिला है। चलिए हम लोग फाइनेंस को देख लेते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। और क्योंकि दोस्तों सेक्टर को देखना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का हाईली वेटेज जो लोग रखते हैं ना वो लोग शेयर में जो होते हैं स्टॉक होते हैं तो वैसा ही बिहेवियर उन लोग करता है, उन लोग मतलब शेयर वैसा ही करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0.32% का हम लोगों को डाउन देखने को मिला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, यानी कि सेक्टर हम लोगों को डाउन था बट स्टॉक हम लोगों को अब देखने को मिला है। चलिए इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ न्यूज़ है नहीं, हम लोग आज देखेंगे चार्ट और चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अच्छा परफेक्ट हम लोगों का देखने को क्या सेटअप बन रहा है। जब तक रिलोड हो रहा है चार्ट तब तक हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही हमारी पूरी वीडियो बनाने का मेहनत का फल होता है। एक मिनट इसको रिलोड मान लेते हैं। अगर और दोस्तों बात रहा कि टेलीग्राम ज्वाइन पर, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी फ्री में बताते हैं जो कि फ्री ही है टेलीग्राम, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग भी एनालाइज दिन में तो लगभग 10 शेयर हैं जो कि हम लोग अपना एनालाइज जो अच्छा सेटअप बैठता है तो उसका शेयर हम लोग करते हैं और साथ ही साथ एंट्री लेते भी हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी देते हैं। इसको हम रिलोड कर लेते हैं तो आप वीडियो को हम पॉज करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे investing.com जो है वो अभी मेंटेनेंस में है, वो अभी वर्किंग हो नहीं रही वेबसाइट, वो अभी मेंटेनेंस में गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ रिलोड ही रह रहा था investing.com जहाँ से हम लोग चार्ट एनालाइज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों का सेटअप बना हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किए हैं और हम आज यहीं पर दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग व्यू पर कि यहाँ पे कहाँ से हम लोगों का एक अच्छा परफेक्ट डिमांड जोन सप्लाई जोन और कहाँ पे एक परफेक्ट ये बन रहा है। जो भी हम लोग पहले ना 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी 1 डे के टाइम फ्रेम पर हैं। आप ना सिर्फ एक चीज़ हम लोग आपको एक मिनट यहाँ से कहाँ चला जाता है यार इंडिकेटर, फुल स्क्रीन में टूल नहीं आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेकर के आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे। आप ना फर्स्ट इसका वीक देखिएगा, आप माउस हम पहले खींच लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले अच्छा सा सेटअप हम बना लेते हैं मार्किंग करके आपके सामने में, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्किंग की जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे आप लोगों को पता ज़रूर होगी। तो फर्स्ट हम कहाँ क्यों मार्किंग किया है आपको दिखाना चाहेंगे। इसको जूम कर लेते हैं। दोस्तों आप ना 2 तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट टू बॉडी कर सकते हैं। अगर आप इसका बॉडी लिए हैं तो आपको यहाँ पे भी बॉडी लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी बॉडी लेना पड़ेगा। बट हम लोग जो है ना वीक टू वीक करते हैं, तो वीक टू वीक में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, तो हम लोगों को पता रहता है कि कहाँ से एक्चुअल प्राइस में कहाँ से वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है ना, रिवर्सल हुआ है।
फर्स्ट यहाँ पे वीक ट्राई हुआ था, सेकंड यहाँ पे वीक ट्राई हुआ था, थर्ड टाइम अटेम्प में ब्रेक नहीं किया था, ऊपर गया था, जो लोग फंसा भी होगा, फिर से अगेन यहाँ से प्राइस हम लोगों को रिजेक्शन होता हुआ देखने को मिला। अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो नीचे से ना एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। हम इस तरह से सपोर्ट देखते हुए बनने को बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे टच हुआ, अगर इसको ऊपर कर लेंगे सेकंड टाइम यहाँ पे टच होने वाला है, बट हुआ नहीं, नहीं हुआ तो हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ पे टच हुआ तो दो टाइम इधर टच हो चुका है, तीन टाइम उधर टच हो चुका है। अगर हम लोग देखेंगे तो 95% स्टॉक में ऐसे होते हैं, वो हम ना आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताते हैं कि 95% स्टॉक हैं इंडियन मार्केट में, जो कि इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड की हम बात करें, चाहे फॉरेक्स में चली जाइए, चाहे क्रिप्टो में चली जाइए, जिसमें भी आपको जाना है उसमें भी चले जाइए। तो आप ना स्टॉक निकालिए और देखिए फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जब टेस्ट कर यानी कि उसको टच करती है ना, 95% ऐसे होते हैं स्टॉक जो कि इनको ब्रेक कर देती है। बट जो फाइनेंशियल में अभी ट्रेंड लाइन हुई बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ फॉलो हो रही है, जिधर भी जा रहा है वहां से प्राइस रिवर्सल हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे पेंसिल लेके आपको समझाना चाहें तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे तीसरी बार ब्रेक नहीं हुई है तो फोर्थ बार भी यहाँ से ब्रेक नहीं होने पर ही हम लोग मानेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब थर्ड टाइम हम लोग एक्यूरेसी लगाते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई बट वहाँ से ऊपर गया नहीं, तो हमको फुली उम्मीद है, फुली हम ही नहीं बोलेंगे, जो लोग एनालाइज करेंगे, जो लोग देखेंगे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे चार्ट को, तो उन लोगों को लगेगा कि जाहिर सी वाली बात है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा करके या प्राइस जा करके यहाँ से फिर से अगेन रिटर्न ले सकता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम लोग एंट्री की बात करें, जब भी प्राइस यहाँ आ जाएगी और उसके जैसे इसमें हुआ था, क्या लोग क्या सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक आई, इस वाले लाइन जब क्लोज हुई, जब मार्केट चल रही थी, ओपन था, इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अरे यार क्या सब खुल रहा है यार, सॉरी। जब यहाँ पे था तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी तो मार्केट यानी कि प्राइस आया था ना, तो यहाँ पे लोगों को क्या लगा होगा। सिंपल, अगर आप भी रहे होंगे तो आप यानी कि अगर हम लोग कैंडल को थोड़ा चार्ट को इस तरीके से कर लें तो आप इसको समझिए, ऐसे ही बना होगा, इस वीक को बोल रहे तो इस तरीके का बना होगा, तो हम लोगों को लगा होगा कि हम लोगों को ही लगा होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, बट यहाँ से ब्रेकआउट दिया नहीं, फिर प्राइस वहाँ से रिवर्सल आ चुका। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होने की संभावना है। संभावना इस वजह से है, हम लोग अब जब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक प्राइस इसके आ करके इसके ऊपर यानी कि इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे देती है, क्लोज होना चाहिए, प्राइस यहाँ पे भी जा सकती है बट हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, क्लोज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रेकआउट में। अगर प्राइस यहाँ पर भी आकर के क्लोज हो जाए तो ये हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ना कि प्राइस यहाँ गई फिर वहाँ से वापस आ गई, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री की बात करें तो इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोगों का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बाद यहाँ से रिवर्सल किया तो जाहिर सी वाली बात है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल परफेक्ट तरीके से हम लोग बाय कर सकते हैं, यहाँ से प्राइस आते ही हम लोग बाय करेंगे, ठीक है ना। हम लोग रिटेस्ट के इस पर रहेंगे नहीं, तो सॉरी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जो है यहाँ पे बार बार एडवर्टाइज आ रहा है क्योंकि ये फ्री है नहीं, तो इसके लिए मेरे पास प्रीमियम भी नहीं है, मैं धन यूज़ करता हूँ अपना ट्रेडिंग के लिए। तो धन यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहेंगे, अगर आपको लिंक चाहिए तो हम आप लोगों को दे देंगे, उस पर कोई इशू नहीं है, आप गूगल पे भी जाके वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, जो भी प्रीमियम सब होते हैं ना वो आप धन पे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों को नॉलेज सही लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा।